नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े हुए लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, आप हमें सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने यहाँ दे रखा है। आइए दोस्तों, आज का वीडियो लेकर चलते हैं। काफ़ी अच्छा, इंटरेस्टिंग, यूनिक वीडियो है, आप लोगों के काफ़ी काम आ सकता है जो लोग ईमेल का इस्तेमाल करते हैं और बल्क में ईमेल करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाया था मेल मर्ज का, ये आप देख सकते हैं वीडियो, एमएस वर्ड को एक्सेल के साथ मेल मर्ज कैसे करें। उसी तरीके से आज मैं एक्सेल के साथ आपको ईमेलिंग के थ्रू एक साथ बल्क में मैसेजेस कैसे भेज सकते हैं। आज मैं जो आपको बताऊंगा वो क्योंकि फ्री मॉड्यूल पर होगा तो वहाँ सिर्फ 50 मैसेजेस का ही दोस्तों हमारे पास एक भेजने का जरिया है, साधन है हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है इसके प्रीमियम अकाउंट हैं, जीमेल का आपके पास जी सूट अकाउंट है, तो आप 1500 कितने भी मेल एक साथ भेज सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आज उसका डेमो आपको देता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए हमारा ईमेल है और ईमेल पर मान जैसे कि हम यहाँ देखिए हम किसी को मेल करते हैं। अब मेल करने के लिए दोस्तों आपको जो यहाँ पर एड्रेस देना होता है, जैसे मैंने दिया यहाँ एड्रेस, ये एड्रेस जो है इस एड्रेस को यहाँ ना देकर आपको इसको खाली छोड़ देना है, ये यहाँ ब्लैंक रहेगा। मैंने यहाँ पर एक मेल है, एक अर्जेंट मीटिंग का सब्जेक्ट लिखा है हेलो। यहाँ आपको करना क्या है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपको यहाँ पर ये देखिए ये सिंबल लगा के यहाँ लिख देना है नेम और इसको बंद कर देना है। इसी के साथ आप एज इट इज कर सकते हैं, सिटी के साथ आप यहाँ लिखें और यहाँ लिखते हैं आप सिटी, ये लिख दिया है। अब यहाँ पर जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम जाएगा, उसका शहर जाएगा और यहाँ पर लिखा ये मैसेज जो आप मेल में कर रहे हैं और यहाँ आ गया है विद रिगार्ड्स। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सिंपली इसको यहाँ से क्लोज कर देना है और इसको ड्राफ्ट में सेव कर देना है। देखिए लिखा आ रहा है सेव एंड क्लोज, आपको यहाँ से सेंड नहीं करना है, आप इसको क्लोज कर देंगे तो अब ये आपके ड्राफ्ट में जाकर जो है सेव हो गया है। मैं दिखा देता हूँ आपको ड्राफ्ट में, ये देखिए दोस्तों ये ड्राफ्ट में यहाँ पर जाकर सेव हो गया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें यहाँ से निकलकर चलना है गूगल पर और यहाँ लिखना है गूगल डॉक्स। इस बार जो है दोस्तों हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज नहीं करना है, इस बार हमें यूज करना है गूगल का एक्सेल जो गूगल ऑनलाइन हमें प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हम गूगल फॉर्म्स बनाते हैं, जो एक्सेल की शीट, वर्ड की शीट हमें प्रोवाइड कराता है। ये आप गूगल डॉक्स पर जाने के बाद ये पहली लिंक पर आप क्लिक करेंगे, ये गूगल ने प्रोवाइड कराया है, ये जो हमारा बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर आता है वहाँ पर ये काम नहीं करेगा, ये काम कर रहा है हमारे एक्सेल पर। तो दोस्तों ये ओपन हो गया है, ऊपर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ये गूगल फॉर्म्स, ये स्लाइड, ये शीट्स, ये डॉक्स। तो हमें यहाँ शीट्स पर चलना है क्योंकि हमें यहाँ गूगल की शीट बनानी है और शीट बनाने के बाद ये जो 2 ऑप्शन आपको बार बार देखते हैं पर्सनल और बिजनेस का, दोस्तों यही वो ऑप्शन है, जिसका बिजनेस अकाउंट होगा वो बिजनेस अकाउंट पर जा सकता है और जिसका पर्सनल है, हम अभी पर्सनल से यहाँ एडिट करेंगे तो हम यहाँ चलेंगे गो टू गूगल शीट पर। यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको एक ब्लैंक गूगल शीट जो है का ऑप्शन दिखेगा और वहाँ पर जाने के बाद आपको एक ब्लैंक शीट को जो है वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद एक डेटा शीट, ब्लैंक डेटा शीट, स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, वो ओपन होगी आपके आगे। देखिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ये ब्लैंक का ऑप्शन आ गया है। अब जो ब्लैंक डेटा शीट दोस्तों यहाँ पर ओपन होगी, उस पर हमें वो कंटेंट्स लिखने हैं जो हम वहाँ देने वाले हैं मेल में। मेल में मैंने दिया है नेम और सिटी, इसके साथ यहाँ पर एक तीसरा हमें देना होगा, वो होगा हमारा ईमेल एड्रेस। जो ईमेल एड्रेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, उन्हीं लोगों को यहाँ से ऑटोमेटिकली ईमेल जाएगा और इसे ही हम कहते हैं मेल मर्ज। अब दोस्तों ये काम कैसे करेगा ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी स्प्रेडशीट एक बार ओपन हो जाए।
ओके, तो ये हमारी स्प्रेडशीट जो है ओपन हो गई है। अब इस पर जो है हमें यहाँ पर एट्रीब्यूट्स देने हैं और उन एट्रीब्यूट्स में जो है वो नेम प्रोवाइड करने हैं, जो नेम और जो हम देने वाले हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्टली नेम, इसके बाद नेक्स्ट में मैं लिखूंगा यहाँ पर सिटी, नेक्स्ट में हम देंगे दोस्तों यहाँ पर ईमेल एड्रेस। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं नेम, जिन जिन लोगों को भी हम भेजना चाहते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए ले लिया मैंने विवेक, देन सिटी मैंने लिख दी यहाँ से इंदौर, और मैंने ईमेल एड्रेस ले लिया है, ये मैं ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ध्यान रहे दोस्तों, ईमेल एड्रेस हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर शहर लिख देते हैं, यहाँ पर आईडी प्रोवाइड करा देते हैं, आईडी लिख दिया है। इसी तरीके से दोस्तों मैं एक तीसरा और ले लेता हूं, शहर का नाम ले लिया है सिटी का, और मैं यहां पर एक तीसरी आईडी भी उठा लेता हूं, ये क्योंकि मैं आपको सैंपल और एग्जांपल के तौर पर ये दिखा रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये तीन आईडीज दोस्तों जो है ले ली है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डेटा बन गया है, ये हमने छोटा सा डेटा बना लिया है, डेटा सेट नेम है, सिटी है, ईमेल है, हमने वहाँ पर नेम और सिटी प्रोवाइड कराए थे, वो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमें जाना है ये एड ऑन्स के ऑप्शन पर, ये आपको दिख रहा होगा, ये एड ऑन्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमें गेट एड ऑन्स पर जाना है, हम गेट एड ऑन्स पर जाएंगे। यहाँ पर गूगल जो प्रोवाइड कराता है ऐसे कई सारे एड ऑन्स हमारे सामने आ जाएंगे, जो कि गूगल फॉर्म, एक्सेल शीट और वर्ड के लिए और स्लाइड्स के लिए यूज होते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर जो है ये एड ऑन्स दिए हैं गूगल ने हमें। ये नेटवर्क स्पीड के कारण जो है थोड़ा सा समय लग रहा है इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये काफी सारे एडऑन्स आ गए हैं। अब हमें यहां सर्च में जाना है और यहां लिखना है येट अनादर मेल मर्च। ये देखिए सबसे ऊपर आ गया है येट अनादर मेल मर्च, मेल मर्च फॉर जीमेल, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एडऑन आपके आगे फिल्टर होके आ जाएगा, ये आ गया है येट अनादर मेल मर्च, इस वाले एड ऑन को हमें इंस्टॉल करना है, तो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी रेटिंग है दोस्तों, ऑलमोस्ट 4.8 इसको रेट किया गया है। हमें इसको जो है इंस्टॉल करना है, ये आ गया है देखिए शीट्स एड ऑन, और हम यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल करने के बाद जो है दोस्तों ये हमसे परमिशन लेगा, ये उस जीमेल आईडी की परमिशन लेगा जिस ईमेल आईडी से हमारा अभी जो है गूगल का अकाउंट एक्सेस हो रहा है, उससे हम इसको परमिशन देंगे। ये जो है हमारे अकाउंट्स के मेल्स को और ड्राफ्ट को और सेंड मेल्स को जो है एक्सेस करने की परमिशन मांगेगा, क्योंकि जब तक हम उसे ये अधिकार नहीं देंगे तब तक हम ये मेल मर्च जो है यहाँ से नहीं कर सकते हैं। तो ये अभी मैं इससे साइन इन कर रहा हूँ, ये आप मैसेजेस पढ़ सकते हैं जो जो हम इसको अधिकार देने वाले हैं, और हम यहाँ से अलाउ कर रहे हैं, ये हमने दोस्तों अलाउ कर दिया है। अलाउ करने के बाद जो है अब देखिए ये यहाँ से जो है एड ऑन यहाँ से इंस्टॉल हो गया है, और अब हम यहाँ से डन कर देंगे, ये हमने डन कर दिया है। इसके बाद जो है दोस्तों देखिए यहाँ एक मैसेज आएगा, ये मैसेज पॉपअप आप पढ़ लीजिए, जिसमें कि लिखा रहता है कि ये शुरुआती 50 लोगों के लिए जब आप मेल भेज सकते हैं तो उनके लिए ये जो है यहाँ से फ्री होता है। इसके बाद अगर आप मेल भेजना चाहते हैं दोस्तों तो आपको जो है यहाँ पे इसका प्रीमियम अकाउंट लेना पड़ेगा, और अगर आपका जी सूट अकाउंट पहले से ही है, ये देखिए
ये अब यहाँ से हम 48 ईमेल्स को भेज सकते हैं, क्योंकि मैंने कल जो है दो मेल्स ऑलरेडी भेज दिए थे। पर्सनल प्लान पर जो है दोस्तों, यहाँ पर आप 400 ईमेल एक दिन के लिए ले सकते हैं, उसके अलग अलग प्रीमियम रेट्स होंगे, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है, इस शीट पर एड ऑन्स पर आना है, क्योंकि हमने इंस्टॉल कर लिया है। ये देखिए इंस्टॉल हो गया है येट अनदर मेल मर्ज, और अब हम ये येट अनदर मेल मर्ज पर जाने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करने वाले हैं। ये स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक हो गया है, ये वर्किंग आपको नीचे शो हो रहा होगा, ये वर्किंग हो रहा है। अब यहाँ पर जो पॉपअप विंडो ओपन होगा, वहाँ पर हमारे ईमेल का वही ड्राफ्ट मैसेज यहाँ शो होने वाला है, जो हमने वहाँ पर अधूरा छोड़कर ड्राफ्ट में रख दिया था। दोस्तों ये मेल मर्ज सारे ड्राफ्ट मैसेजेस उठा लेता है, आपके पास जितने भी ड्राफ्ट मैसेजेस वहाँ होंगे। हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे, सेंडर का नेम विवेक भारद्वाज, यहाँ से मैंने अपना नेम दे दिया है। अब ईमेल की टेम्पलेट में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा आ रहा है अर्जेंट मीटिंग, यही वो है स्टार्ड ड्राफ्ट विल अपीयर्स फर्स्ट। ये जो ड्राफ्ट में मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप ड्राफ्ट में अर्जेंट मीटिंग का ये जो मैसेज है, यही मैसेज यहाँ पर आ रहा है, इसे हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आप इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक रखिए, बाय डिफॉल्ट क्लिक आता है। इसके फायदे क्या होंगे मैं यहाँ पे आपको आगे बताऊंगा। आप ईमेल को ट्रेस कर सकते हैं कि जहाँ हमने मेल भेजा है क्या वो ओपन हो गया है वहाँ पर, क्या क्लिक हो गया है या बाउंस हो गया है। तो हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं, ये हम तीनों मेल्स को यहाँ से सेंड कर रहे हैं। देखिए लिखा आ रहा है 0/3, ये 3/3 हो जाएगा, मतलब तीनों को मेल यहाँ से चला जाएगा। ये दोस्तों तीनों को मेल हो गया है, लिखा आ गया है ऑल ईमेल्स हैव बीन सेंट। अब मैं 45 लोगों को और भेज सकता हूँ, मैंने 5 ईमेल्स यूज कर लिया है। मैं यहाँ से दोस्तों इसको करता हूँ क्लोज। अब आप एक्सेल की शीट पर देखिए, एक नया यहाँ पर कॉलम ऐड हो गया है जिसमें लिख रहा है मर्ज स्टेटस। अब ये बता रहा है कि ईमेल सेंट हो गया है इन आईडीज के द्वारा, यहाँ पर ट्रैकिंग रिपोर्ट जनरेट होने वाली है। ये काम किस तरीके से करेगी ये मैं आपको बताऊंगा, और ये मेल किस तरीके से आया होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए यहाँ ये लिखा आ रहा है ओपन का, ये जो है इस आईडी पर ओपन हो गया है मेल। मैंने अपने मोबाइल से क्लिक कर लिया है इस वाले पर, और यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया है। मैं दूसरी आईडी पर भी दिखा देता हूँ, ये जो मेरी मेन आईडी है, यहाँ चलकर इनबॉक्स में मुझे मेल आया होगा, और उस मेल पर जो है हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही वहाँ पर स्टेटस चेंज हो जाएगा, और जैसे ही हम ओपन कर लेंगे तो वहाँ लिखा आ जाएगा कि आपका मेल जो है सामने वाले जो सेंडर थे जिसको आपने भेजा था उसने जो है वहाँ से ओपन कर लिया है। ये देखिए दोस्तों आ गया है यहाँ पर, सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे अर्जेंट मीटिंग करके, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ये ओपन होने के साथ ही दोस्तों जो हेलो के बाद मैंने नेम दिया था वो नेम आ गया है, हेलो विवेक। शहर का नाम दिया था इंदौर, वो इंदौर आ गया है। ये मैसेज चला गया है, रिगार्ड्स चला गया है, और ये ऑटोमेटिकली सेंड किया हमने एक्सेल की शीट से। अब मैं एक्सेल की शीट पर दोबारा आ रहा हूँ, वहाँ आप स्टेटस देखिए तो आप जो है पहली आईडी और तीसरी आईडी का स्टेटस देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ईमेल को ओपन कर लिया गया है, यहाँ भी ओपन कर लिया गया है। अभी एक दूसरी आईडी है हमारी जिस पर ओपन नहीं किया गया है और जिस पर नहीं देखा गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं दो मेल थे, 67% ओपन कर लिए गए हैं, नीचे और भी डेटा आप इजीली देख पाएंगे। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप मेल मर्ज का इस्तेमाल करके आप मेल कर सकते हैं, एक साथ जितने लोगों को आप मेल करना चाहते हैं उतने लोगों को आप इजीली यहां से मेल भेज सकते हैं। भेजने का तरीका क्या है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, आपको इस वीडियो को एक बार और देखना होगा सीखने के लिए। आप इजीली इसको कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो आपके पास 50 अकाउंट का जो एक्सेस रहता है, इसके बाद आपको दोस्तों जो है प्रीमियम अकाउंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में, कलीग्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं आप किस तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।